खबर पौड़ी से है, जहां वनंतरा प्रकरण की मृतिका अंकिता भंडारी की मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती करवाया गया है। मृतिका अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया है कि उनकी बेटी की निर्मम हत्या के मामले में उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पड़ रहे दबाव के कारण अंकिता की मां सोनी देवी की हालत बिगड़ने लगी है। उन्हें जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर विजय आड़ावाला ने बताया कि अब सोनी भंडारी की हालत ठीक है और उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। एक तो जब जब मतलब हम पे दवा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो मेरी मिसेज की हालत पहले से नाजुक है, मतलब एकदम वो है, तो उसका एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और परसों ही जैसे ही उन पे दवा बनाने की कोशिश की, तो थोड़ी एक बजे के करीब जो है उनका बीपी जो है 159 बढ़ गया था। उसमें मतलब हाथ पैर एकदम छोड़ गए थे, तो उसी समय मैंने एम्बुलेंस बुलाई, तो एम्बुलेंस में यहाँ पौड़ी लाए और अब जाके थोड़ा बहुत मिली है। जी, अंकिता का मम्मी सोनी देवी जी 3 दिन से हमारा हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये आई थी कंप्लेंट के साथ, 3 दिन से बुखार हो रहे हैं और खांसी जुकाम हो रहे करके। हमने उसको ट्रीटमेंट दिया 3 दिन और इंजेक्शन भी दिया, एंटीबायोटिक दिया। अभी फिलहाल ठीक है और खून के जाँच भी किया, सब नॉर्मल आए। अभी हम 5 दिन दवाई देके घर भेज रहे हैं, उसके बाद 5 दिन के बाद फिर फॉलोअप करेंगे।